कैसे किया जाता है इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप जानेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले आपको किसी भी ब्राउज़र में जाके प्रेरणा ओडिशा पे क्लिक कर देना है। डर करने के बाद यहाँ देख सकते हैं प्रेरणा MPNIC.in पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद इस टाइप का इंटरफेस आएगा। यहाँ देख सकते हैं न्यू यूजर आउटसाइड स्टेट रजिस्ट्रेशन, न्यू रजिस्ट्रेशन दिया हुआ है, न्यू रजिस्ट्रेशन का बता चुके हैं। लॉगिन पे क्लिक करें। जो रिन्यूअल करने वाले हैं उनका यूजर आईडी पहले से बना हुआ रहता है, तो उसका यूजर आईडी और पासवर्ड आपके पास है तो आप दे सकते हैं। या नीचे आप देख सकते हैं यहाँ रिकवरी और पासवर्ड में भी दिया हुआ है। तो सिंपली आपको यूजर आईडी और पासवर्ड देखें। यहाँ आप देख सकते हैं कैप्चा कोड दिया हुआ है, कैप्चा कोड देके आप लॉगिन कर सकते हैं। तो आप किसी का भी पासवर्ड गुम हो गया है तो आप रिकवरी पासवर्ड में क्लिक करें, लॉगिन पे क्लिक कर देना है। यूजर आईडी पासवर्ड देने के बाद क्लिक करने के बाद इस टाइप का इंटरफेस आएगा। कंडीशन ऑफ अवार्ड ऑफ स्कॉलरशिप, इसका आपको रीड कर देना है। नीचे आपको आना है। नीचे आने के बाद यहाँ डिक्लेरेशन कुछ दिया हुआ है तो आपको इसमें क्लिक कर देना है। सिंपली आपको 500 में क्लिक कर देना है। आपको नीचे आ गया है यहाँ प्रोसीड, प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। प्रोसीड पे क्लिक कर देने के बाद आप यहाँ देख सकते हैं आधार नंबर, कंफर्म आधार नंबर, आधार नंबर देना है आपको यहाँ। जो भी आपका है आधार नंबर दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ आपको कंफर्म आधार नंबर पे देना है। कंफर्म आधार नंबर देने के बाद आप यहाँ देख सकते हैं चेक एंड वेरीफाई एंड अपडेट पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद सक्सेस दिखाएगा। चेक एंड वेरीफाई एंड अपडेट एक्टिव माई आईडी पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपका पहले रजिस्ट्रेशन हो चुका है तो उसका पूरा डिटेल्स दिखाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ ले आपको क्या करना है। अभी खाली अपडेट कुछ जो चेंज करना होगा वो अपडेट करके उसके बाद रिन्यूअल कर सकते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं फ़ोटो आ चुका है। यहाँ रिफ्रेश फ़ोटो में आप जाके फ़ोटो चेंज कर सकते हैं, अपडेट प्रोफाइल कर सकते हैं, जो भी अपडेट करना होगा वहाँ क्लिक करके। उसके बाद आप देख सकते हैं पहले से दिया हुआ है तो आपको जो अपडेट करना होगा वो आप अपडेट कर सकते हैं यहाँ जाके। इस टाइप का आपका अपडेट करने के बाद सक्सेस दिखा देगा तो ओके पे क्लिक कर देना है। उसके बाद एडिट मोबाइल एंड ईमेल, इसमें क्लिक करके आप मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी चेंज कर सकते हैं जो भी आप फर्स्ट ईयर में दिए थे। तो उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं अपलोड कास्ट इनकम सर्टिफिकेट लिखा हुआ है तो आपको यहाँ कास्ट इनकम सर्टिफिकेट 150 KB के अंदर रखना है। आप यहाँ पहले में कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना है, सेकेंड में इनकम सर्टिफिकेट। तो आप यहाँ चूज फाइल पे जाके क्लिक करके उसके बाद यहाँ जो भी स्कैन करके रखे रहेंगे वो सिलेक्ट करके अपलोड कर देना है। आप देख सकते हैं 150 KB लिखा हुआ है तो उसी तरह कास्ट सर्टिफिकेट जैसे किए हो इसी तरह इनकम को भी अपलोड कर देना है। उसके बाद एडिट बैंक डिटेल्स दिया हुआ है, आप एडिट बैंक डिटेल्स में भी जाके चेक कर सकते हैं कुछ अकाउंट नंबर गलत हो रहेगा तो और सही है तो आपको अपडेट बैंक डिटेल्स में यहाँ कंफर्म मेरे अकाउंट नंबर में मार के अपडेट बैंक डिटेल्स में कर देना है। उसके बाद आ गया आपको रिन्यूअल एप्लीकेशन, तो सेकेंड ईयर के लिए प्लस टू सेकेंड ईयर कर रहे हैं, प्लस थ्री सेकेंड ईयर फर्स्ट ईयर कर रहे हैं, जो भी है उन स्टूडेंट के लिए है। यहाँ एडमिशन डेट देना है। खाली आप यहाँ रिन्यूअल एप्लीकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आपको वहाँ
डेट देने के बाद यहाँ इनकम सर्टिफिकेट नंबर मांग रहा है, उसके बाद इनकम सर्टिफिकेट इशू डेट पूछा गया है, तो आप यहाँ पर डालना है इंस्टीट्यूट कोर्स रिलेटेड डिटेल्स, आपको जो जिस भी कॉलेज में पढ़ रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट में पढ़ रहे हैं, तहसील देना है, इंस्टीट्यूट नेम देना है, कोर्स नेम देना है, यहाँ सिलेक्ट ब्रांच, सिलेक्ट कौन सा ईयर है पूरा फिलअप करना है उसको। स्पेशल कैटेगरी आप जो है दे सकते हैं, रेसिडेंट स्टेटस, डे स्कॉलर के हॉस्टल देना है, मार्क्स इन परसेंटेज ऑब्टेन इन लास्ट ईयर एग्जाम में जो है आप देख सकते हैं, कास्ट सर्टिफिकेट नंबर है यहाँ दे सकते हैं, उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट डेट जब इशू हुआ था उसका, कास्ट सर्टिफिकेट इशू अथॉरिटी जो तहसील ऑफिस में होता है उसको देना है, उसके बाद रिन्यूअल एप्लीकेशन पे क्लिक कर देना है, तो आप देख भी कर सकते हैं, तो रिन्यूअल एप्लीकेशन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको डायरेक्ट एडिट लॉक प्रिंट एप्लीकेशन पे आ जाएगा, उसके बाद आप यहाँ आके यहाँ आप एप्लीकेशन अवेलेबल इंस्टीट्यूट यहाँ आ जाएगा आपका एडिट फॉर्म करने के लिए, तो आप वहाँ फिर से चेक करके एडिट या कुछ भी कर सकते हैं। उसके बाद आपको नीचे लॉक कर देने के बाद आपको ट्रैक स्टेटस प्रिंट एप्लीकेशन आ जाएगा, प्रिंट एप्लीकेशन आने के बाद डाउनलोड हो जाएगा, उसके बाद आप प्रिंट कर सकते हैं। इसी तरह से आप खुद का भी खुद घर बैठे किसी भी लैपटॉप या कंप्यूटर से कर सकते हैं। इस YouTube चैनल पर जो नए हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, इन न्यू नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को क्लिक कर दें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।